देखिए, जैसा कि आप अभी देख ही रहे हैं, हमारे ज़िले में मेले तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ही चल रहे हैं। और जो भी हमारे ऐसे परिवार हैं जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 से कम है, उनको हम इन मेलों में बुलाते हैं सरपंच के माध्यम से, चौकीदार के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट देकर कि वो यहाँ आए। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स सभी उनके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि वो जिस भी स्कीम में कोई भी अपनी मदद लेना चाहे, ट्रेनिंग लेना चाहे, लोन लेना चाहे, या आगे चल के वो कोई और काम करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहे, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि हम केवल उस वंशा में ना रह जाए कि हमें कोई आर्थिक बेनिफिट मिलता रहे। हम चाहते हैं कि लोगों का उत्थान हो, कि अपना लोन करेंगे, अपना काम शुरू करेंगे तो आगे जाके आमदनी बढ़ेगी और हमारे अंत्योदय परिवार और स्ट्रांग बनेंगे। कोई फोर का मेला चल रहा है जी, और महेंद्रगढ़ में 3 दिन चलेगा। आज पहला दिन है, कल और परसों भी चलेगा। तकरीबन 1,000 बेनिफिशरीज हैं जो 3 दिन में यहाँ पे आने चाहिए। अभी आप देख रहे हैं तकरीबन 150 बेनिफिशरीज आज आ चुके हैं 300 में से, और भी आने लग रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपके माध्यम से भी आप भी लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे। जो हमारे बेनिफिशरीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दे पाएं। देखिए, कैंसिल होने का सिर्फ एक स्थिति होती है, अगर किसी का सिविल स्कोर ठीक नहीं है। तो अगर किसी का सिविल स्कोर ठीक नहीं होता है तो हम उन लोगों को फिर से कॉल करते हैं, फिर से उनसे बात करते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दिलवाते हैं ताकि उनका वैसे क्रेडेंशियल स्ट्रांग हो जाए कि वो आगे काम कर सकें। इसके अलावा कोई भी अगर रिजेक्शन कोई बैंक करता है तो हम डिपार्टमेंट उनका नहीं मानते हैं, हम वो वापस बैंक को भेजते हैं और उनका सैंक्शन करवाते हैं। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को कैश की ज़रूरत होती है, वो उसकी सोच से यहाँ आते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया, इस मेले का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को स्ट्रांग बनाएं कि वो अपना काम शुरू कर सकें, ताकि वो बार बार किसी के आगे उनको ना जाना पड़े, वो अपना ही काम कर बेहतर आगे चले। इसी वजह थैंक यू। पूरे ज़िले में सभी ब्लॉकों में इन मेलों का, जो ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जो मेले हैं, इनका आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज महेंद्रगढ़ में इसकी शुरुआत हुई है। महेंद्रगढ़ में 3 दिन तक इस मेले का आयोजन होगा और इसमें शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया है। और सरकार का ये प्रमुख उद्देश्य यही है, इसके पीछे जो मंशा है सरकार की वो ये है कि किस प्रकार से लोगों को, उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। और उसी कड़ी में इस प्रकार के जो विभाग हैं, सारे हमारे 19 विभाग हैं, जहाँ कुछ विभागों में ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं, कुछ में रोज़गार के प्रोग्राम्स हैं और उनको लोन मुहैया करा करके, अभी आपने देखा है कि मौके पर हमारे विभिन्न बैंक्स भी हैं। उसका उद्देश्य प्रमुख यही है कि इन लोगों को, इनकी आमदनी को, इनका रोज़गार स्थापित करवा करके इनकी आमदनी के जरिए को उठाया जाए और इनको हर प्रकार से सक्षम बनाया जाए। अभी तक किसी को लोन मिला है सर से? बिल्कुल मिला है। अभी 3 चरण जो पहले लगाए गए, अभी ये 4th चरण है। 1100 से अधिक जो हमारे ज़िले में लाभार्थी हैं जिनको लोन मिल गया और उन्होंने अपना काम शुरू कर लिया है। और अभी भी इसी कड़ी में ये काम निरंतर जारी है। एप्लीकेशन आने के बाद उन पर कार्रवाई होगी और जो जेन्युइन, जिनका बिल्कुल जो काम करना चाह रहे हैं, उनको बिल्कुल उनको लोन उपलब्ध करवा करके काम स्टार्ट करवाया जाएगा।